शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झूठा आदमी चूर्ण बना रहा है हमको। इतना झूठ बोल रहा है कि हम गांव में हैं और यहीं विचर रहा है लखनऊ में। और जिस दिन पैसा चोरी नहीं हुआ है तब भी वैन के आसपास कई लोकेशन बता रहा है इसका। करिश्मा सिंह, देखिए इस केस के बारे में हमने कुछ सोचा है। हमें लगता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ दो नहीं, तीन लोग इन्वॉल्व हैं। चीता, सपना और वो तीसरा बंदा जिसको हमने कम्प्लीटली नजरअंदाज कर दिया है। सोचिए कौन? उस वैन का पुराना सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत ही कन्वीनियंटली चोरी के दिन बीमार पड़ गया और इस बहाने गाँव चला गया। हमें नहीं लगता कि वो कहीं गाँव आ गया है। वही है इस सबका असली करता धरता। जानते थे मैडम सर देर सवेर, लेकिन आपको ये बात सूझेगा जरूर, पर इस बार थोड़ा सा विलंब हो गया आपको सूचने में। हमको पहले से ही पता चल चुका है कि ये जो चोर है वो और कोई नहीं सिक्योरिटी गार्ड है, और हम उसको अभी पकड़ नहीं जा रहे। गुड, वेरी गुड, चलिए हम भी आपके साथ। नहीं नहीं मैडम सर, माफ कीजिए, लेकिन आप भूल गई हैं, डीएसपी सर के ऑर्डर है कि आपको इस केस से दूर रखना है। सरकारी आदेश है मैडम सर, मानना तो पड़ेगा ही। हम चाह के भी आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। जय जय। ना क्या करना है? बबलू यादव को उठा के ले जाना है चिंगारी संगठन, पूरे पैसों के साथ। चलो। हाँ चलो। खींचा 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 खींचा। यो राजी जी, इस कहानी का असली विलन बबलू यादव। खोले से खोलो। कौन है ये बिन्नी? कोड़े मतलब क्या, यही तो है बबलू यादव। ये बबलू यादव नहीं है, मैंने बैंक से इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाली थी, वो भी फोटो के साथ। नहीं है ये बबलू यादव। अरे बबलू यादव नहीं है तो कौन है ये? कौन है तू? मैं टिंकू यादव हूँ जी, बबलू यादव का दोस्त, उससे मिलने आया था यहाँ पर। अबे कहाँ है बबलू यादव? उसे तो कोई और उठा के ले गया जी। अरे मेरी बात तो सुनिए, बहुत गलत टाइम पर आए हो टिंकू भैया। अब हम बस निकल ही रहे थे गाँव के लिए, क्या है देर हो जाएगी तो बस छूट जाएगी हमारी। अरे भैया हम काम से ही तो आए थे, बाद में मिलेंगे। जान से जाओगे उससे अच्छा तो बस ही छूट जाए, तो ज्यादा सस्ते में नहीं छूटोगे? नहीं ऐसा हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम चिंगारी गैंग का बात कर रहे हैं जो बाहर आया आपको ले जाने के लिए। आप देख सकते हैं, जाओ देखो देखो, तसल्ली कर लो। तो देखो ऐसा है कि हमारे साथ जाओगे तो थाना जाओगे, लेकिन अगर चिंगारी गैंग के साथ जाओगे ना तो सीधा शमशान जाओगे। तो सोच लो कि कहाँ जाना है। उसके बाद सीधा यहाँ पे आग खोली मैंने। खोल इसे, जल्दी खोल। करिश्मा सिंह वो वहीं पर थी, बाजी मार गई हमसे पहले, वहां पहुंचकर ले गई वो बबलू यादव को वहां से। बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरे बारे में ही बात कर रही थी। चिंगारी गैंग के जबड़े में से उसका शिकार छीन कर लेके जाने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। वो तो पैदा होते ही हमारे डॉक्टर ने हमसे कहा था,
कि हमारा दिल और हमारा गुर्दा नॉर्मल साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए तो हम अंजाम का परवाह नहीं करते, जो मन में आता है वो कर डालते हैं। विचारों का ज्यादा आदान प्रदान नहीं हुआ हमारे बीच में, इसलिए तुमको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम तुम्हारे और महिला थाना के बीच में खड़े हैं, SI करिश्मा सिंह। और जब तक हम खड़े हैं ना, तब तक कोई चिंगारी, कोई पटाखा, कोई सूतली बम, कोई फुलझड़ी हमारे थाने का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी तुम? तुम्हारा अगर हमारे थाने की तरफ देखा ना, तो मैया कसम बता रही हूँ, तुम्हारी चिंगारी से तुम्हारा पूरा साम्राज्य जला देंगे। दूर रहना हमारे थाने से। बातें बहुत अच्छी कर लेती हो, पसंद आई हमें, इसीलिए माफ कर रहे। जानते हैं हम कि तुम भी भौंका लो अपने महिला पुलिस थाने की, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है SI करिश्मा सिंह। ये चिंगारी तो जली भी नहीं है अब तक, सोचो इसकी लपटें कितनी तेज होंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जी, PKB बैंक के वैन से जो पैसे चोरी हुए थे, उसके असली मुजरिम को हमने पकड़ लिया है। और वो और कोई नहीं, उसी का पुराना सिक्योरिटी गार्ड है बबलू यादव, जिसने की बहुत सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया है। वो हमारी हिरासत में है, उसने कन्फेशन दे दिया है और बहुत जल्द वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपके वो थाने के कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी का स्टेटमेंट, जिसमें वो खुद चोरी करने की बात मान रहे हैं, उसका क्या? देखिए, ये पुलिस का असली मुजरिम तक पहुँचने का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था। हम ही ने अपने कांस्टेबल से कहा था कि वो झूठा बयान दे, ताकि उस झूठे बयान से असली मुजरिम लापरवाह हो जाए और उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उसे पकड़ लें, जो हमने किया। हे शिव जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने एक बार फिर थाने की इज्जत बचाई। मैडम सर के जरिए चीते को क्लीन चिट दिलवा ही दी आपने। सच में आपकी लीला अपरंपार है, कैसे पलक झपक दी, पूरी बाजी पलट दी आपने। चीता, हम तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, पर हम पुलिस वाले हैं, हम चंद मगरूर लोगों की वजह से उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्हें सच में हमारी जरूरत है। वर्दी पहनते वक्त जो कसम हमने खाई थी, हम उसे नहीं भूल सकते। ये वर्दी, इसकी मर्यादा, इसकी जिम्मेदारी, इसका गौरव, इसकी मायार, ये सब हमें याद रखना ही होगा। और ये सब अब हमें चिंगारी गैंग को याद दिलाना होगा कि कानून से ऊपर और कानून से बढ़कर कुछ नहीं। हम जानते हैं चिंगारी गैंग को ये बात समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें हमारी ताकत की जरूरत है, हमें हमारी पूरी टीम की जरूरत है। हम ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए इस चुनौती के लिए रुक जाओ। हम आपके साथ हैं मैडम सर, मरते दम तक आपके साथ। आपको, पूरा थाना को, वर्दी को, अपना नौकरी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप हारेंगे नहीं मैडम सर, क्योंकि हम लोग प्राण दे देंगे लेकिन आपको हारने नहीं देंगे मैडम सर। और आप ही तो कहती है ना मैडम सर, कि पूरा थाना हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारा परिवार, कोई अपना परिवार छोड़कर जाता है क्या? नकारात्मक नहीं हो रहे हैं, बस याद दिला रहे हैं कि चिंगारी गैंग को खत्म करना इतना आसान नहीं है। काफी अंदर तक देखा है हमने चिंगारी गैंग को, और लोग सही कहते हैं कि चिंगारी गैंग लोग नहीं, सोच, और उस सोच को खत्म करना उतना आसान नहीं है। चले चले बाहर निकलिए, आप इंसाफ के मंदिर में आए हैं, यहाँ पे प्रसाद मिला जाएगा, लाइन में लग जाइए। जिंदगी में सीधा काम नहीं किया ना, इसलिए यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ पे भी सीधा काम नहीं करोगे तो टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, का समझे? चलो बदनाम भाई, ये सब कौन है? शक्ल से तो राजा महाराजा नहीं लग रहा। शक्ल से चोर चक्के लग रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन इतने सारे। देखो, हमें मालूम है कि तुम्हारे अस्थि पंजा ढीले किसने किए हैं, चिंगारी गैंग ने। लेकिन सांप काटे का इलाज मधुमक्खी का छत्ता नहीं कर सकता है। जो तुम लोगों ने किया है उसका इंसाफ सिर्फ और सिर्फ कानून तुमको दे सकता है, वो चिंगारी गैंग ने, क्या समझे?
सोचा नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि हमें चोर उचक्के को कहना पड़ेगा कि आओ FIR लिखवाओ, पर आ गया है, यही जिंदगी है, क्या करें। आइए आगे आइए और FIR लिखवाइए। मैडम पहले से हालत बहुत पस्त है, अब कहा एक और कुआं में धक्का दे रही हैं आप। हमको मालूम है तुम्हारा हाल पस्त है, लेकिन हमारा आइडिया मस्त है। चुपचाप यहाँ पे FIR लिखवाइए और घर जाके सुकून का बांसुरी बजाइए, क्या समझे? यहाँ पे हो तुम, यहाँ पुलिस है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बाहर अगर यहाँ FIR लिखवाओगे तो। सुना है मैडम, एक छुटके 32 पिट गया आपका हवलदार। मैडम हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, यहाँ कोई FIR नहीं लिखवाएगा। हम आप प्यार से बात कर रहे हैं तो कंधा पे चढ़ जाओगे क्या तुम? तुम्हारी तो करिश्मा मैडम। मैडम सर देख रही है आप कैसे शांति से तफ्तीश कर रहे हैं, शांति से। यही तो बात है ना कि सिर्फ देखती हैं कुछ करती नहीं है। हाँ कुछ कहा आपने? नहीं हम ये कह रहे हैं पुष्पा जी कि इनकी आरती उतारिए और इनसे FIR लिखवाइए। पहले हमारा मूड था कि हम एक FIR लेंगे, अब हमारा मूड बदल गया, हमें सबका FIR चाहिए, लिखिए। हम पुष्पा जी ऐसा है कि घर की इज्जत पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है। हाँ और हमारा भोकाल तो आपको पता ही है, मैडम सर ने खूटी से टांग दिया है। तो बची आप, FIR लिखिए। और आप तो करिश्मा सिंह की सास भी है। देखिए हम एक संवेदनशील और समझदार इंसान भी है और हमारी समझदारी ये कह रही है कि अभी अगर हम इन सबकी आरती उतारेंगे ना तो हम पर भी FIR हो सकती है। मैडम मैडम हमें जाने दीजिए, मैडम हमें जाने दीजिए। मैडम चलिए चलिए जाइए, भागिए। कैसे भागेंगे? अरे भागो। ये सब क्या है करिश्मा सिंह? मैडम सर हमने तो पूरा कोशिश किया है लेकिन लगता है सबको पता चल गया है कि तलवार से उसका धार अलग कर दिया गया है। FIR नहीं मिल पाया। आप जानती हैं आपकी परेशानी क्या है करिश्मा सिंह? कि आप या तो बीते हुए कल के भरोसे जीते हैं या फिर आने वाले कल की तरफ इतनी तेजी से दौड़ लगाती हैं कि आज के बारे में भूल ही जाती हैं। आज को अच्छे से टटोल कर देखिए, हर मुश्किल का हल मिलेगा ही मिलेगा। है तो ये गुनहगार, एक ना एक दिन तो गलती करेगा ही, तब पकड़ेंगे। ओके मैडम सर। चल झूठ बोलते हो हाँ? चल। कौन है ये दोनों? कह रहे थे कि साफ सफाई कराना है पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये साफ सफाई कराना है। मेरी बात को गांठ बांध लो, इनको ना हसीना मलिक ने भेजा है हमारी खबर लाने के लिए। शकल दिखा दोनों की। अरे मैडम सच बोल रहा हूँ, क्लीनिंग के लिए बुलाया गया था हमें। तू क्या है, तुझे क्लीनिंग करने आए हैं? अरे अपने हाथों को कभी फुर्सत भी दिया करो। शिवानी अपनी लड़कियां थक गई थी तो मैंने इन दोनों को बुलाया था दिवाली की सफाई के लिए। चलो काम करो अपना, चलो। अरे बाप रे बाप। अरे माता जी लगता है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं। वो तो बेचारी आंटी खास रही थी, छोटी सी कुटिया बोल रही थी। बेटा अभी इस उम्र में हाथ पैर नहीं चलते ना, और हमारे पास पैसा भी नहीं है। तू इस गरीब की कुटिया पे हाथ रख देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। याद आया? चलो जल्दी करो काम, चलो। क्या है, चलो काम करो काम करो। जाओ नीचे रख। रुको रुको,
बड़ी मेहरबानी कि बुढ़िया का काम कर दी तुम लोगों ने। अब ये मेरी तरफ से रखो रखो। अरे अरे नहीं दादी जी, रखो। ठीक है बस हो गया, हमने तो सेवा ही तो की आपकी। अरे काय करता तुम्ही, मेहनत की है ना तो पूरा पैसा लेने का। नहीं नहीं हो गया। अब नहीं बोल रहे ना ये लोग। ताई कंजूसी नहीं, पूरा पैसा दो। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। चल भाई। तेरे को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जीजी, बस घर की याद आ गई थी थोड़ी। दिवाली पे मम्मी के साथ घर की सफाई करा करती थी और फिर मम्मी मुझे शॉपिंग के लिए ले जाती थी। अरे तू भी ना, मम्मी ने ये तो क्या हुआ, ये है ना तेरी कंजूस ताई। और मैं हूं ना तेरी दिल वाली जिज्जी। पटाखे मत फोड़ो, इससे प्रदूषण फैलता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचो, पटाखे मत फोड़ो। पटाखा आओ आओ, ये रख। अरे यही फोटो की क्या? सॉरी सॉरी सर, नहीं सुनो बिल्ले बदनाम भाई, कहीं दिवाली के दिन हमारी बकरीद न बना दे चिंगारी गैंग, हम ही मिले तो क्या शहीद होने के लिए। अरे माँ कसम, मेरे को इतने जोर से सुसुआ है ना, कैसे करे समझ में ना रहा ये अतरंगी कपड़ों में। ए, अरे ये पटाखों को ना पानी से दूर रखना, नहीं तो पटाखे फुस हो जाएंगे। हेलो बिल्ले। हेलो हेलो करिश्मा मैडम, आई एम बिल्लू द स्पाई। कोई खबर नहीं है या चिंगारी गैंग की कोई हरकत नहीं है, जैसे ही हरकत होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रन आउट बिल्लू द स्पाई। करिश्मा मैडम, चिंगारी गैंग यहाँ मार्केट में आ गई है। बहुत बढ़िया, पीछा करो उनका, जैसे ही कानून तोड़े हमको बुलाओ, हम दिवाली के शुभ अवसर पे उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, समझे? ओके बिल्लू द स्पाई, गो रन आउट। शिवानी दाई, शिवानी दाई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अच्छा बोलो जल्दी जल्दी क्या चाहिए तुम लोगों को, आज ताई का मूड बहुत अच्छा है। ताई हमें पटाखे ले लाओ ना। पटाखे? बदनाम भाई, बदनाम भाई, चलो भाग लेते हैं। अरे लेकिन बिल्ला, अरे वो जिंदा रहेगा तो मिलेगा ही, चलो। अरे हम यहाँ से चले जाएंगे तो करिश्मा मैडम छोड़ेंगे नहीं हमको। हाँ यार दोनों और मौत है। बच्चों पढ़ो क्या लिखा है। पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण फैलाते हैं, सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि पटाखे बनाने के लिए बाल मजदूरों की मदद ली जाती है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है और कितना प्रदूषण भी तो फैलता है, बूढ़ों को जानवरों को एंजाइटी भी हो सकती है। पर ताई, पटाखे तो आप भी फोड़ते हो। अंतर आए बाड़ा, सदियों से ये समाज और लोग गहरी नींद सो रहे हैं, इनकी आवाज जब तक ये कानों में नहीं जाएगी ना तब तक चेंज नहीं आएगा, वरना औरतों की रिस्पेक्ट कौन करेगा। अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू। चलो बच्चों मिठाई और कुछ कपड़े खरीदते। थैंक यू थैंक यू। यो दी कहाँ? यो, अरे
ये क्या अंगोछे जैसा उठाया है, कुछ ढंग का ले ले। मारी को पहनना है, मेरे को यही चाहिए। ये बाप रे, बंदूक किसी के तो पटाके फूटेंगे। बाप रे, किसके फूटेंगे पता करना पड़ेगा। बिल्ला कहाँ जा रहा है? जल रहा है। पटाखे मत छोड़ो, ये पर्यावरण को नुकसान। इधर उधर क्या फटक रहे हो? काम बोला वो किया कि नहीं? किया। बिल्ला कहाँ है? बिल्ला उधर गया। उधर कहाँ, किसके पीछे? चिंगारी चिंगारी गया। अगर बिल्लू चिंगारी गैंग के हत्थे चढ़ गया तो पता नहीं वो क्या हाल करेंगे उसका। हमें कुछ करना होगा।